10,000 के इनाम, क्या बाल वित्त मंत्री फैजान के होगा नाम? विपक्ष के सदस्यों द्वारा वित्त व्यवस्था पर उठाए प्रश्न का दिया था जवाब। माननीय वित्त मंत्री श्री फैजान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार राज्य पर चल रहे 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने हेतु अपना पूरा प्रयास कर रही है। पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए वित्तीय बोझ को कम करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर आए हैं। 2024 में खत्म हो रहे शानन पावर प्रोजेक्ट लीज जो अभी पंजाब सरकार के हाथों में है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसे भी हिमाचल में लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने का मुख्य कारण प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। हमने केंद्र को एनपीएस फंड में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई गई राशि को वापस राज्य सरकार को देने की मांग भी की थी, जो कि केंद्र सरकार ने नकार दी है, परंतु राज्य सरकार अपना हक लेने के लिए प्रयासरत है। महोदय, वित्त एक गंभीर मंत्रालय है। महोदय, इसके सही प्रबंधन से ही प्रदेश ऊंचाइयों को छू सकता है। ऐसे में विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों द्वारा व्यय हर एक राशि का लेखा जोखा रखा जाता है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश में सरकार का एक भी पैसा अनावश्यक रूप से खर्च करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।